Ladies and gentlemen, welcome to the MTV. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नए वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा बहुत ही स्पेशल डिनर है जो यहाँ पर आ चुका है। अब मैं ट्राई करने जाऊँगा यहाँ की जो स्पेशलिटी है एमटीवी की, जो दूसरी जगहों के मुकाबले काफ़ी अलग है। जैसा कि यहाँ पर है ये क्रोकेट्स है, यहाँ पर है ब्रूसेटा है, चीज़ वेज ब्रूसेटा है और भिंडी सुनहरी है जो यहाँ की स्पेशलिटी है। और ये जो क्रोकेट्स है वो सालसा के साथ सर्व किया जाता है, जो आम तौर पर आपको बहुत ही कम जगहों पर मिलेगा। मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है, तो चलिए मैं अब ट्राई करके बताता हूँ कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। सबसे पहले जो मैं ट्राई करूँगा वो है ये, चलो सबसे पहले भिंडी सुनहरी से ट्राई करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई है। तो ये बहुत ही पतली कटी भिंडी है, मैंने किचन में जाकर खुद देखा कि वो लोग कैसे बनाते हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो चलिए ट्राई करते हैं भिंडी सुनहरी। बिल्कुल ड्राई भिंडी है और एक इसे आप भिंडी के चिप्स भी कह सकते हो, ऐसा ही है। इसमें थोड़ा सिंपल सा मसाला छिड़का है उन लोगों ने ऊपर, और केबेज और लेमन के साथ सर्व किया है। थोड़ी बिटर लग रही टेस्ट में, मगर अगर आपको भिंडी खाना पसंद है और भिंडी का कुछ हटके एक नया वर्जन ट्राई करना है, तो भिंडी सुनहरी आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। अब मैं ट्राई करने जा रहा हूँ यहाँ के जो क्रोकेट्स है, ये मुझे बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे थे जब मैं इसको देख रहा था किचन में बनते हुए। तो चलिए ट्राई करते हैं, पहले मैं इसको प्लेनली ट्राई करूँगा ताकि मैं आपको इसका टेस्ट बता सकूँ। वाओ, ये बहुत ही कुरकुरा है बाहर से, बहुत ही अच्छी तरह से पका हुआ, और आपको जो है अंदर से काफ़ी अच्छा फीलिंग का भी टेस्ट आता है, जिसमें मेनली आपको जो टेस्ट आएगा वो रहेगा स्पिनच का, यानी कि पालक का। अब मैं इसको ट्राई करने जा रहा हूँ सालसा के साथ। ये हुई ना बात, मुझे कुछ ऐसी चीज़ की तलाश थी जैसे कि हॉट एंड क्रिस्पी क्रोकेट और उसके साथ ठंडा और थोड़ा स्पाइसी सालसा। वाकई में जो इसका कॉम्बिनेशन है बहुत ही हटके है। मुझे सालसा तो बहुत ही पसंद आया, मगर जो दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है वो इस डिश में एक जान डाल देता है, और मेरी मानिए आपको ऐसा बहुत ही कम जगह पर खाने को मिलेगा। तो चलिए अब मैं इसको ट्राई करने जा रहा हूँ जिसका नाम है टोमेटो चीज़ ब्रूसेटा। ये है जो ये भी बहुत ही कम जगह पर मिलता है, माफ़ कीजिएगा अगर मैं इसको रॉन्गली प्रोनाउंस करता हूँ। ये जो है बेसिकली एक ओपन ब्रेड है और उसके ऊपर टमाटो कैप्सिकम चीज़ वगैरह की जो है ओलिव ऑयल ओलिव सभी डाल के इसको बेक किया है। ये जो डिश है बहुत ही चीज़ी है, आपको एक अच्छा फ्लेवर आता है ओरेगानो का, और जो ओलिव ऑयल की जो स्मेल है स्मोकीनेस है वो इसमें एक अलग ही बात बनाती है। मगर जो ये डिश है इसको इनमें से कोई भी बीट नहीं कर सकता। डेफिनेटली आप एमटीवी में आइए और ट्राई कीजिए क्रोकेट्स विथ सालसा, आपको बहुत ही पसंद आएगा और आपकी जो ट्रिप रहेगी खास करके यहाँ का जो माहौल है वो देखकर वाकई में मेरा अनुभव तो बहुत ही शानदार रहा। और यहाँ की जो ड्रिंक है इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें जो पुदीना और सभी की पत्तियाँ डालकर एक हर्बल टाइप की उन्होंने ड्रिंक तैयार की है, इसमें उन्होंने सेवन अप भी डाला है। आप कोई भी एरेटेड सोडा डाल के भी ऐसा बना सकते हो, मगर ये थोड़ा है जो उन्होंने हट के सोचा है। तो चलिए ये भी ट्राई कर लेते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाए तो मेरी मानिए आपकी शाम बन जाएगी। ये सभी जो तीनों डिशेज़ है, सालसा है, क्रोकेट्स है और ये ड्रिंक है, वाकई में लाजवाब है।